close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. So guys, अभी ना बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा था कि मॉर्निंग में वीडियो वगैरह वो करने का स्टार्ट वगैरह करने का. एंड अभी हम बहुत दूसरी जगह से जा रहे हैं रामपुर, तो अब मैं घर जा रही हूँ. तो हम बहुत ही लेट हो गया. एंड अभी शुक्र है धूप निकली है फिलहाल के लिए, थोड़ी सी नहीं जब तक क्लाउडी हो गया था ना मौसम. बाकी ये वाला जो रोड है बहुत ज़्यादा टाइट है, बहुत ज़्यादा तंग रोड है. तत्ता पानी सुना होगा, मतलब काफ़ी फेमस है. तो या अभी हम बहुत ही स्पीड में निकलेंगे, मतलब आराम से जाएंगे. सो या लेट्स गो. व्यू चेक करो, इतना इतनी प्यारी पहाड़ियाँ हैं, छोटी छोटी सी, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बस पेड़ नहीं है. सो लोकेशन इंजॉय करने के बाद हम निकल पड़े फिर से अपनी राइड पे एंड अपनी मंजिल की ओर. एंड इधर से था 125 किलोमीटर लेफ्ट. तो दिस एरिया इज़ कॉल्ड धार, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, मतलब इतनी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी, बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी. सो या बाद हम मतलब यहाँ पे राइड करने का इंजॉय जो आ रहा था वो बहुत ही अलग था. यार दिस रोड इज़ सो टाइट, मतलब काफ़ी ज़्यादा तंग रोड है. तो इधर काफ़ी ज़्यादा आराम से चलाना पड़ रहा था, क्योंकि मतलब बहुत ही मतलब ऐसे ख़तरनाक मोड़ थे इधर भी. सो मैं सोच रही थी अभी स्टार्टिंग में ही इतना हाल है तो मतलब आगे क्या क्या ही होगा. मीन्स हमने इतना ज़्यादा डेंजरस पाथ चूज़ किया हुआ है. सो या सो गाइस चेक दिस आउट, ये लोकेशन है थोड़ी तत्ता पानी से आगे. एंड यहाँ के लोकल्स बोल रहे थे हमें कि आप लोग राफ्टिंग कर सकते हो यहाँ पे, बट हमने मना कर दिया उन्हें. सो बाय बसंतपुर जैसे ही हम पहुँचे तो वहाँ पे एक टर्न आता है, तो हमने तो टर्न लिया तो उससे सीधा रास्ता जाता है, तो वो जाता है मेन तत्ता पानी सुनने के लिए. तो या वहाँ जा सकते हैं. तो या वहाँ पे वेरी नेचुरल हॉट वाटर स्प्रिंग्स होते हैं, वहाँ पे लोग जाते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं और नहाते हैं. एंड काफ़ी एडवेंचर है. तो या लोग भी यहाँ आ सकते हो, मीन्स ट्रैवल करने के लिए और घूमने के लिए, मतलब अच्छी जगह है. बट दीज रोड्स आर नॉट गुड. तो रोड के लिए तो बहुत बेकार है. तो आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा ही, मतलब बहुत टाइट रोड है. यहाँ पे गाड़ियाँ कम चलती हैं, बट यहाँ पे ट्रक्स चलते हैं, बहुत ट्रक्स चलते हैं. एक्चुअली यहाँ पे आगे काम भी हो रहा है, एक मतलब प्रोजेक्ट का काम हो रहा है, बट आई डोंट नो कि वो प्रोजेक्ट किस चीज़ का है. सो आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा टाइट रोड है यहाँ पे. अगर मतलब गलती से कुछ बड़ी सी चीज़ आ गई या बस वगैरह आ गई तो हम तो फंस गए. मतलब बाइक तो फिर भी निकल सकती है, मतलब अपनी रास्ता लेके, छोटा मोटा रास्ता लेके तो निकल ही जाती है, बट गाड़ियों की लिए काफ़ी डिफ़िकल्टी हो जाती है. सो यार नाइट में तो मैं प्रेफर करूँगी कभी इस रोड से मतलब मत ही आओ. तो हमें तो मतलब वहाँ पर कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए आना पड़ा, क्योंकि हमें लगा कि नारकंडा होके बहुत ज़्यादा ब्लैक आइस होगी. सो वी वर लेफ्ट विथ 75 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर एंड दिस इज़ सो लॉन्ग रूट. तो आई प्रेफर कि इधर से मत ही आओ. तो यार एटलीस्ट 5 hours लगेंगे इधर से रामपुर तक पहुंचने के लिए. तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबा रूट है. यू कैन सी दीज रोड्स एंड ये NH तो है ही नहीं. तो इधर से जगह जगह सावधान की बोर्ड्स भी लगे हुए थे, डैट मीन्स कि ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं, तो या बी केयरफुल. तो या मतलब काफ़ी रिस्की है. सो या बट लुक एट दीज माउंटेन्स, ये मतलब बहुत ज़्यादा मेसमराइजिंग थी. इनको देख के मतलब अच्छा लग रहा था, या ये हमको थोड़ा कंफर्ट दे रही थी. बाकी तो या यू कैन सी
सो ये लोकेशन है सुन्नी से आगे, एंड इधर देखो इतना ज़्यादा कीचड़ था, एंड ऊपर से ना एक छोटा सा मतलब वाटरफॉल भी नहीं बोल सकते, पानी गिर रहा था, एंड हम पूरे के पूरे भीगे थे, सारा पानी हम पे, बाइक पे, एंड बाद में मेरे फ़ोन पे भी पानी आ गया था। मतलब हम सुबह के नहाए थे भाई, क्यों हमें गिल्ला कर रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन हो गई थी। एंड यहाँ हम बहुत ज़्यादा भीग गए थे, पूरा का पूरा पानी आ गया था, बट पता नहीं कैसे कैसे करके निकालनी पड़ी इधर से भी। गाइस जस्ट चेक आउट दिस व्यू, मतलब इतना अमेजिंग यार, अमेजिंग। साइड साइड में इतनी बड़ी बड़ी चट्टाने और बीच में ना नदी, ये रोड मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा है, समझ से बाहर है बहुत। एंड काफ़ी देखो कैसे ऊंचे ऊंचे से पहाड़ इधर है, मतलब चट्टाने भी है यार बहुत ही है, एंड इधर मंदिर भी है। लुक एट दिस, ये ना बिल्कुल किन्नौर वाली वाइब दे रहा है मुझे, किन्नौर में भी होता है ना ऐसे ऊँचे। एंड नीचे देखो नदी बह रही है पार से, वाओ कितना ऑसम लग रहा है। पार्टी को छोटे छोटे बच्चे दौड़ के जा रहे हैं, इतने बम्पर्स इतने बम्स, हालत ख़राब। मेरी बट लेट हो गए बहुत ज़्यादा यार, अभी चलना पड़ेगा, ये व्लॉग में पता नहीं ज़्यादा लंबा चल जाएगा। सो आफ्टर 20-30 किलोमीटर्स फाइनली हमें मेन रोड से हम कनेक्ट हुए, एंड दिस वाज द मेन NH, और इतना ज़्यादा सुकून मिला जब NH पे मतलब हम आ गए थे। रियली मतलब इतना टफ रोड था, हालत ख़राब हो गई थी। सो जितना हम डाउन डाउन और जा रहे थे कि उतना ही मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी भी फील हो रही थी। आई डोंट नो यहाँ पे भी मतलब गर्मियाँ तो मतलब बहुत जल्दी आ जाती है, तो या इसी वजह से अब गर्मी भी लगने स्टार्ट होगी। सो गाइस अभी हम मतलब ऑलमोस्ट रामपुर पहुँचने वाले हैं, तो या अभी 6 बज गए, हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए हैं। जो मेरा दोस्त है ना, उसका ना बाइक में इशू आ रहा है बहुत ज़्यादा, उसका ना स्टैंड साइलेंसर ना ख़राब हुआ हुआ है, वो अचानक से ही हो गया, एंड बार बार ना बाइक रुक रहा है, तो बहुत दिक्कत आ रही है। तो अभी वेट कर रही हूँ, बार बार रुकना भी चल रहा है। हाँ अभी वो बेचारा पीछे ही रह गया है, दूर दूर दिख भी नहीं रहा, अभी उसका वेट करना पड़ेगा, उसके बाद हम सीधे निकल जाएंगे। एंड या ये ब्लॉग मे बी ज़्यादा लंबा चले जाएगा, आई होप सो, या मे बी आई शुड एंड हियर, और बाकी देखते हैं अगर आगे मैं शूट करूँगी। सो या गाइस, बाकी मैं आपको बताऊँगी मैं रामपुर क्यों आई हूँ, आई एम सो एक्साइटेड एंड हैप्पी। सो या मैं आपको बताते रहूँगी, और आप व्लॉग्स इन्जॉय करना, मुझे बताना भी मेरी कमियाँ और जो भी अच्छा लगता नहीं लगता सब कुछ बताया करो। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। सो या गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो हमें तो रात ही हो गई थी पहुँचते, एंड वी रियलाइज कि जिस मेन रास्ते से हमें जाना था उधर ना पूरा का पूरा ढांग गिर गया था, पूरा का पूरा रास्ता ही मतलब उड़ गया था, एंड वी हैव टू चूज़ अनदर पाथ। और हमारी किस्मत में पता नहीं क्या ही हो रहा था, और पता नहीं कैसे कैसे कहाँ कहाँ से निकालनी पड़ रही थी। सीरियसली इतना जाम मतलब इतना जाम तो मनाली साइड होता था, उतना जाम हो गया था, क्योंकि सारी मेन NH की गाड़ियाँ भी इधर होकर आ रही थी, एंड सब बहुत परेशान थे, बहुत लंबी लाइन लगी थी, and we were also so frustrated।